सुप्रभात बच्चों, आज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं वो बड़ा ही सरल है। कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। उस एक चीज़ को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए आप वाहन ले लीजिए, यात्रा करने के लिए लोग कोसों दूर पैदल पैदल जाते थे, लेकिन आजकल वाहन में, यहाँ पे थल में चलने वाले, वायु में चलने वाले, जल में चलने वाले कई वाहन आ गए और कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो वही अब अगर हमें किसी से बात करना है, अपने परिचित लोगों से, तो हम किसका इस्तेमाल, पहले चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल मोबाइल आ गए हैं, तुरंत हम एक सेकंड में किसी से भी फोन लगाकर अपनी बात कह सकते हैं, संदेश हम पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी जो सुख सुविधा, ये क्या है, ये डिजिटल है। इसीलिए हमारे तृतीय पाठ का नाम है डिजी भारतम, यानी डिजिटल इंडिया। डिजी यानी डिजिटल, भारतम यानी भारत देश। भारत देश जो है वह डिजिटल इंडिया बन गया है। तो इस पाठ में कौन कौन सी डिजिटल की चीज़ें हैं और उनसे क्या प्रयोग है वह, और हमें क्या सुविधा होती है, वो इस पाठ में हम देखेंगे। अगर संपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया कृतस्य चर्चा श्रूयते, अद यानी आज संपूर्ण विश्वे, यानी संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, यानी डिजिटल इंडिया इस शब्द की इत्यस्य चर्चा यानी इसका डिस्कशन हो रहा है हर जगह कि भारत कितना प्रगति कर चुका है, कर रहा है। आगे अस्य पदस्य कह भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यानी अस्य पद यानी यह जो पद है, पद यानी शब्द डिजिटल, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। आगे काल परिवर्तन स मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तन, यानी काल परिवर्तन, जैसे काल यानी समय, तो समय जिस तरह परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ साथ मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं, मानवस्य आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह परिवर्तन हो रही है, बदल रही है, उसको और सुविधाजनक चीजें चाहिए। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वह बढ़ती जा रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिम आसित, प्राचीन काल यानी पुराने समय में, ठीक है, पुराने समय में, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। जो शिक्षा होती थी उसे शिक्षा प्रदान किया जाता था, वह मौखिक सिर्फ होता था, सिर्फ गुरु बताते थे, बोलते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम हर चीज मोबाइल से, कंप्यूटर से हम देखते हैं, जो भी जानकारी चाहिए हम कंप्यूटर में, नेट पे एक शब्द टाइप करके सारी जानकारी आपको मिल जाती है। आपको टीचर्स भी बहुत कुछ दिखाते पढ़ाते समय, चार्ट वगैरह। तो ये शिक्षा पद्धति जो है वो अभी बहुत कुछ बदल गई है। और उसके आगे विद्या च श्रुति परंपरास्य गृहाते स्म, यानी विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती है, यानी तब विद्या जो शिक्षा है वह सुनने की परंपरा थी, केवल सुनकर ही ज्ञान को अर्जित किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसे नहीं है, हम देख के, परख के, उसको देख के भी हम लोग ज्ञान लेते हैं। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद अंतरतः ताल पत्रों पत्री भोज पत्री च लेखनम कार्यम आरभदम, यानी इसके पश्चात, अंतरतः यानी इसके बाद, ताल पत्र पर, भोज पत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ, यानी जो पत्र, जो पेड़ों के जो बड़े बड़े पत्ते रहते थे, उस पर लिखा जाता था, संदेशा लिखा जाता था, ज्ञान उस पे लिखा जाता था, बच्चों को उस पे लिखवा के बताया जाता था, यानी वो एक तरह से टीचिंग एड होता था। जिस तरह अभी हम लोग चार्ट पेपर पे, पेपर पे, स्मार्ट बोर्ड पे आपको कुछ दिखाते हैं चित्र, तो ये हमारा टीचिंग एड हो गया, बताने का तरीका हो गया, समझाने का तरीका हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। लेकिन पहले प्राचीन काल में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो वो लोग पहले ताल पत्र पे, पेड़ों की पत्तियों पे लिख के शिक्षा देते थे। परिवर्तन काले करगतस्य लेखनाय च आविष्कारेण सर्वभाषाप्रिय मनोगतां भावनां करगतोपरि लेखनं प्राप्तम्,
यानी जैसे परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार से सभी प्रकार के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। यानी पहले जो है पत्र के ऊपर, पेड़ों के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वैसे वैसे लोग कागजों पे लिख रहे हैं, कागजों पे लिख के कलम से वे लिख रहे हैं। पहले शाही का इस्तेमाल किया जाता था, केवल मोर के पंख से शाही से उस पत्र पे लिखा जाता था, लेकिन आजकल कागज आ गए हैं, कलम आ गए। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति कर रहा है तो वह कागज पे लिखना उसने प्रारंभ किया, कलम से लिखना उसने प्रारंभ किया। आगे देखो, टनन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टनिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन। यानी टनन यंत्रस्य यानी टाइपराइटर, जब हम टाइप करते हैं टाइपराइटर, आपका कीबोर्ड आप ले सकते हो, यंत्र का आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। यानी जो हम आजकल जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो आपको कीबोर्ड दिख रहा है, इस कीबोर्ड पे क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है, और जो हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पे दिखता है उसका हम लोग प्रिंट लेते हैं, और वह प्रिंट जिंदा प्रिंट को हम लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, और लंबे समय तक वह रहता है, सुरक्षित रहता है, और वह सुंदर भी काफी दिखता है। तो उस समय टाइपराइटर का यंत्र का आविष्कार हुआ तो लोग उसका इस्तेमाल करके लिखित सामग्री जो भी हम चाहते हैं लिखना वह उसमें उस टाइपराइटर पे, उस कंप्यूटर पे रहता है बड़े दिनों तक, सुरक्षित है वह। आगे, वैज्ञानिक प्रविधे प्रगिता यात्रा पुनरपि अग्रे गता। यानी वैज्ञानिक प्रविधे यानी वैज्ञानिकी की जो तकनीक है, जो टेक्निक्स है, विधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे चलते रहे। यानी टाइपराइटर तक ही नहीं रुकी हमारी जो टेक्निक है साइंस, इसके आगे बढ़ चुकी है। यानी मॉडर्न कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, तो ये सारी सुविधाएं आ गई है जिनसे हम अपने टाइपिंग फास्ट कर सकते हैं, उसका प्रिंट तुरंत ले सकते हैं, पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर हम तुरंत ले सकते हैं। तो ये सारी सुख सुविधाएं हम लोग आजकल देख सकते हैं। आगे, अदर सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधानी भवती। यानी आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक का जो यंत्र है आपके सामने, उसके द्वारा ही सिद्ध होते हैं सारे कार्य। जो भी हमें करना है काम, वो सारे कंप्यूटर का ये जो यंत्र है उसी से ये सारा संभव है। समाचार पत्राणी पुस्तकानी च कंप्यूटर माध्यमे पठ्यते लिखियते च। यानी समाचार में जो प्रिंट रहता है, ठीक है, जो प्रिंट हम लोग जो पढ़ते हैं समाचार पत्र, जो पुस्तकों का जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारी पुस्तक, ये क्या है प्रिंट, यानी हम लोग इसे टाइप किया हुआ है, वो टाइप किया हुआ ये जो लेखन है इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और साथ ही साथ कंप्यूटर में भी जो टाइप किया रहता है वो भी हम पढ़ सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं कभी भी। तो ऐसा है ये हमारा संगणन यंत्र यानी कंप्यूटर। कर्गदोगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयते स्म। यानी कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। यानी पहले कागज पे ही लिखा जाता था, तो कागज को इस्तेमाल करने के लिए पेड़ों को काटा जाता था, तो यहाँ पे वृक्षों की बहुत अधिक उनको काटा जा रहा है, तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो कागज के उद्योग में यानी उसकी जो फैक्ट्रीज है कागजों की, वह बढ़ती जा रही है, वृक्षों को काटा जा रहा है, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, यह विश्वास है। यह विश्वास क्या दिला रहे हैं कि जितना हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उससे कागजों की बचत होगी, वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, हमें जो भी सामग्री चाहिए वो हम कंप्यूटर में तुरंत देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इससे बचत होगी, प्रदूषण नहीं होगा, हमारी प्रकृति संतुलन रहेगी, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो पर्यावरण की अगर हम सुरक्षा इस तरह कर सकते हैं, हम कागजों का प्रयोग ज्यादा ना करें, जो भी हमें ज्ञान चाहिए वो हम कंप्यूटर से तुरंत दे सकते हैं, तो इसकी कुछ लाभ भी है और हानि भी है, ठीक है। तो यह कंप्यूटर का यह हम पे उपकार है कि हम पर्यावरण की हम क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अगले नेक्स्ट पेज पे देखिए,
अधुना अपने वस्तु कार्यार्थम रूप कामानाम अनियति नास्ति, यानी अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। यानी आजकल जो जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसमें पैसों की आवश्यकता नहीं होती, या तुरंत हमें रुपए निकालने की देने की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानानाम गृहीतवंत, यानी अभी हमें पैसे को निकाल देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं और अपना जो भी वस्तु खरीदना है हम तुरंत 2 मिनट में खरीद सकते हैं, यानी उसे कोई दिक्कत भी नहीं आती। आगे आगे देखेंगे, वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संभवते, बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। यानी बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं, जो भी है कागजों का इस्तेमाल ना करके बल्कि ऑनलाइन सारा काम किया जा रहा है, जिससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। इससे समय की भी बचत होती है और कोई दिक्कत भी नहीं आती। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन लेन देन के लिए सहायक है, तो कोई भी मुद्रा हो उसको हम ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, आदान प्रदान इससे आसानी से हो सकता है। तो आपने देखा ये जो कंप्यूटर है, ये जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इससे कितनी आसानी होती है, समय की भी बचत होती है और किसी को नुकसान भी नहीं होता। तो ये बड़ी सुविधाजनक जो है वो मनुष्य को ये सारी सुविधाएं मिल रही है। आगे क्या होता है आगे इस लेसन में वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।